हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इक्लास सेशन। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास सिक्स बुक हनीसकल का चैप्टर सेवन से लिया गया है और नेम ऑफ द चैप्टर इज फेयर प्ले। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये हमारी इस चैप्टर की सेकेंड वीडियो है। क्लियर। वन डे, एक दिन, सी स्पोक टू जुम्मन, जो वो चाची थी जुम्मन शेख की, वो जुम्मन से बोली, माय सन, मेरे पुत्र, इट इज नाउ ऑब्वियस। ऑब्वियस होता है क्लियर, स्पष्ट, ये अब स्पष्ट है, दैट कि आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस, मैं आपके जो तुम्हारे जो घर है उसके अंदर मेरी चाहना नहीं है, मेरी चाहत नहीं है। क्लियर। वांट होता चाहना, मेरी चाहत नहीं है। काइंडली, कृपया, गिव मी, मुझे दे दो ए मंथली अलाउंस, मासिक भत्ता। अलाउंस होता भत्ता, मुझे मासिक भत्ता दे दो, सो दैट, ताकि आई कैन सेट अप, ताकि मैं सेटअप कर सकूं, एक बना सकूं, ए सेपरेट, सेपरेट होता अलग, सेपरेट किचन, ताकि मैं एक अलग रसोई अपने सेटअप कर सकूं या अलग से अपनी रसोई बना लूं। क्लियर। माय वाइफ नोज, मेरी पत्नी जानती है बेस्ट, अच्छे से, हाउ टू रन द हाउस, कि घर को कैसे चलाया जाता है, मेरी वाइफ अच्छी तरह से जानती है। नो जानौत। बी पेशेंस, धैर्य रखो, बी पेशेंट, धैर्य रखो, सेट जुम्मन सेमलेसली, सेमलेस होता है बेशर्म, सेमलेसली बेशर्मी, जुम्मन ने बेशर्मी से कहा। क्लियर। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री, इससे बना दिया उसकी चाची को, इसने बना दिया उसकी चाची को वेरी एंग्री, बहुत गुस्से में, यानी कि इससे उसकी चाची गुस्से में आ गई है। और सी डिसाइडेड, डिसाइड होता है निर्णय लेना, और उसने निर्णय लिया टू टेक हर केस, जो उसका केस था, जो उसका मामला, केस क्या है, मामला, मुद्दा, जो उसका मामला था उसको ले जाने के लिए टू द विलेज पंचायत, गाँव की पंचायत में ले जाने का उसने निर्णय किया उसके मामले को। फॉर मैनी डेज, कई दिनों तक, द ओल्ड लेडी, जो बूढ़ी औरत थी, वॉज सीन टॉकिंग टू विलेजर, ये देखी गई, वॉज सीन देखी गई टॉकिंग, बातें करते हुए टू द विलेजर, गांव को लोगों से बातें करते हुए देखी गई वो जो बूढ़ी औरत थी। एक्सप्लेनिंग हर केस, उसके मामले को बताते हुए, उसके मामले की व्याख्या करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए उसको, ठीक, एंड और सीकिंग देयर सपोर्ट, सपोर्ट होता है समर्थन, और सीक होता है मांगना, और उनके जो समर्थन की जो मांग की। क्लियर। सम सिंपथाइज्ड विद हर, सिंपथाइज होता है सहानुभूति, ठीक है, कुछ ने उसके साथ सहानुभूति रखी। अदर्स, जो दूसरे थे, कुछ लाफ्ड एट हर, दूसरे जो कुछ थे वो उस पर हंसे, लाफ, हंसना। एंड फ्यू अदर, और कुछ और दूसरे, एडवाइज हर, उसको सलाह दी, टू मेक इट अप, टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, उसके भतीजे और उसकी जो पत्नी के साथ मेक इट अप, मेक इट अप होता है जो डिसएग्रीमेंट, जो उनके बीच में जो उलझन है उसको सेट कर लो, कि आप दोबारा से फिर एक फ्रेंड्स बनना, मेक इट अप विद होता है जो पहले जो डिसएग्रीमेंट है किसी के साथ उसको ख़त्म करके एक नई सिरे से एक नए फ्रेंड बनना। क्लियर। तो कुछ ने ये उसको सलाह दी कि आप अपने भतीजे और पत्नी के साथ समझौता कर लो,
मेक इट अप यानी कि समझौता करना, क्लियर। एट लास्ट अंत में सी केम टू अलगू चौधरी, वो अलगू चौधरी के पास आई एंड स्पोक टू हिम, और उसके साथ और उससे बोली, स्पोक टू हिम बोलना, यू नो चाची, आप जानती हो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड, जो जुम्मन है वो मेरा सबसे अच्छा मित्र है, बेस्ट फ्रेंड सबसे अच्छा मित्र, हाउ कैन आई गो अंगेंस्ट हिम, मैं उसके खिलाफ, अंगेंस्ट खिलाफ, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ, अलगू सेड, अलगू ने कहा, बट परंतु, इज इट राइट माई सन, क्या ये सही है मेरे पुत्र, टू कीप मम, मम होता है चुप रहना, कुछ भी नहीं कहना, टू स्टे क्वाइट, टू से नथिंग अबाउट समथिंग, क्लियर, किसी के बारे में कुछ भी ना कहना, मेरे पुत्र क्या ये सही है चुप रहना, एंड नोट से व्हाट यू कंसीडर जस्ट एंड फेयर, और ये ना कहना जो तुम मानते हो कि जस्ट सही है, जस्ट एंड फेयर, जो सही और उचित है, ये कह जो आप मानते हो, ये कहना ना कहना क्या ये सही है, प्लीडेड द ओल्ड लेडी, प्लीड क्या होता है, प्लीड होता है किसी से भी कोई चीज पूछना बहुत ही मजबूती और एक गंभीरता के साथ, क्लियर, गंभीरता के साथ या मजबूती के साथ किसी से कोई चीज पूछना या कहना, उसे बोलते हैं प्लीड, क्लियर, प्लीडेड द ओल्ड लेडी, जो बूढ़ी औरत थी उसने कहा, कम टू पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, पंचायत में आओ एंड स्पीक द ट्रूथ, और सच्चाई कहो, सच्चाई बोलो, शी सेड, उसने कहा, अलगू डिडंट रिप्लाई, रिप्लाई होता है उत्तर देना, जवाब देना, अलगू ने कोई जवाब नहीं दिया, बट परंतु हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर, परंतु जो उसके शब्द थे, उसके जो चाची के जो शब्द थे, केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर, उसके कानों में गूंजते रहे, बजते रहे, रिंग होता है बजना, केप्ट रिंगिंग कंटिन्यू, कंटिन्यू बजना यानी कि गूंजते रहना, परंतु जो उसके शब्द थे उसके कानों में गूंजते रहे, क्लियर। फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो फ्रेंड्स आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, थैंक यू वेरी मच।